ओम दुम दुर्गाय नमः, बहुत छोटा सा माँ का मंत्र है, आप 9 days इसको जप करके देखिए एंड सी द मिस्टिकल मैजिकल एनर्जीज इनसाइड योरसेल्फ। अब वेल्थ की हमने बात कर ली, हेल्थ के लिए कौन सा क्रिस्टल है? तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है मून क्रिस्टल या एक्वामरीन। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूँ इला। और देखिए आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। नवरात्रि के 9 दिनों में कैसे आप क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कर सकते हैं, कैसे आप रुद्राक्ष को एनर्जाइज करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं और वेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं काजल बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। काजल जी, आज बात करेंगे हम इन 9 दिनों में जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, कैसे क्रिस्टल्स की एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्हें एनर्जाइज कर सकते हैं और कौन सा क्रिस्टल किस चीज़ के लिए हो सकता है इन 9 दिनों में। बिल्कुल, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि माँ आ रही है और पावर हाउस एक तरह से रहने वाले हैं 9 दिन। शक्ति का स्वरूप है, हैप्पीनेस का स्वरूप है, खुशी का स्वरूप है, हर तरफ मतलब हैप्पीनेस और एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो क्यों ये दिन इतने इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरीके से हम अपने जेमस्टोन्स, अपने रुद्राक्ष, अपनी मालाएं या अपने क्रिस्टल्स को किस तरीके से, अगर नॉर्मल पूर्णमासी के दिन पे अगर हम चार्ज करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम फुल मून डे पे उनको चार्ज कर रहे हैं पूर्णमासी वाले दिन, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत अच्छी उनको एनर्जीज मिल रही हैं। लेकिन अगर माँ के दिनों में, अब जो दिन है 9 days, अगर हम इनको मैनिफेस्टेशन के साथ जो चीज़ भी हम चाहते हैं अगर हम करना चाहते हैं तो वो हमें 100% मिलेगी ही मिलेगी। बट हमारी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए उस चीज़ को पाने की और चार्ज करने की कि मतलब हमें वो बेनिफिट मिले ही मिले। तो देखो, मैं अपने दर्शकों के लिए एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ। ये रुद्राक्ष है जो मैं खुद धारण करती हूँ, ये मेरे गुरु ने मुझे ब्लेस करके दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे नवरात्रज आ रहे हैं, तो नवरात्रे वो 9 रातें होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका कोई भी जेमस्टोन है, कोई भी क्रिस्टल है, अभी जैसे हम रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं तो रुद्राक्ष इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू लॉर्ड शिवा। तो सबसे पहले तो लोगों का जो क्वेश्चन आता है कि हम वेल्दी कैसे बन सकते हैं, हम जल्दी से धन प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए 21 मुखी रुद्राक्ष, जो कि कुबेर का रूप माना जाता है, और आपको पता है कुबेर देवता तो धन के देवता हैं और वेल्थ के देवता हैं, तो आप क्या कर सकते हैं 21 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं और उसको 9 days पूरी आराधना पूजा करके एक मंत्र ले सकते हैं। कोई भी एक मंत्र का जाप आप कोशिश करिए कि डेली करें और पूरे नवरात्रों में उसको कम से कम सिद्ध करने के लिए 1,25,000 बारी करें। देखिए, अब वेल्थ चाहिए या हेल्थ चाहिए तो हमें इतनी एनर्जी तो अपनी उसमें देनी ही पड़ेगी। तो आप डेली माला से जाप करिए और जाप करने के बाद वो जो एनर्जीज हैं, जो आप उनको एक चांदी की कटोरी में रख लीजिए रुद्राक्ष को, या आप उनको किसी अच्छे साफ सुथरे अपने अल्टर के अंदर ही रखिए और वो जो एनर्जीज हैं डेली जब आप मंत्र जाप कर लेते हैं उनको अपने हाथ में लीजिए, इस तरीके से एक पिरामिड की शेप बनाइए और अपनी सारी एनर्जी से मैनिफेस्ट करिए जो भी आप करना चाहते हैं कि मेरी गुड हेल्थ, गुड वेल्थ देने के लिए। स्वयं देखिए, अपने फील कीजिए कि माँ का जो स्वरूप है, जो भगवान लॉर्ड शिवा का स्वरूप है, वो उसको ब्लेस कर रहा है। और आप देखिए कि 9 days के अंदर ये इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप जब इसको पहनेंगे
धारण करेंगे तो बहुत हद तक आपको फील होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए नेगेटिविटी लाना चाहता है या आपकी वेल्थ को मतलब आपसे दूर करना चाहता है या आपके काम को बांधना चाहता है, ऐसी कोई एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर आप इसको पहनेंगे। कुछ साधकों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो सिद्धि कुंजकम स्रोत्र कर सकते हैं, लेकिन जो लोग साधना करते हैं ये केवल उनके लिए है, क्योंकि ये वो साधना है जो गुरु के अधीन अगर की जाए, गुरु से दीक्षा लेके की जाए तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, माँ के जो आपका सप्तिशी के पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशी, दुर्गा सप्तशी का पाठ आप डेली करिए, उसके पूरे अध्याय करिए और आप देखेंगे कि वो पावर, वो एनर्जी आप अपने अंदर फील करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो एनर्जी आप फील करेंगे, वही एनर्जी आप अपने रुद्राक्ष के अंदर पोर करिए और आप देखिए उससे आपको कितना, मतलब जैसे आप कह लीजिए कि नॉर्मल डे पे अगर हम पूजा करते हैं तो 10% हमें बेनिफिट मिलता है, इन दिनों में अगर हम पूजा करते हैं तो वो रिजल्ट्स हमारा 1000% मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये एनर्जीज होती हैं नवरात्रों में किसी भी चीज़ को अपनी सिद्ध करने के लिए या अपनी चीज़ को पॉजिटिविटी देने के लिए और इसका बेनिफिट लेने के लिए। काजल जी, ये तो आपने रुद्राक्ष का बताया, थोड़ा सा क्रिस्टल्स पे बात करते हैं, आप क्रिस्टल एक्सपर्ट हैं, तो कैसे क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करें इन 9 दिनों में? देखिए जो भी क्रिस्टल्स, अब जैसे मैं अभी क्रिस्टल्स पहनती हूँ, अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स पहनती हूँ, हमारे व्यूअर्स भी पहनते हैं, बहुत सारे लोग पहनते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि 9 डेज़ के लिए, अब जैसे माँ आ रही है तो अपने क्रिस्टल्स को, जो भी आपने ऑल्टर बनाया है माँ का, जहाँ पे भी खेतरी रखी है, गंगा जल रखा है, प्रसाद ऑफर करते हैं, वहाँ पे आप उतार के इनको बहुत रिस्पेक्टफुली, देखिए रिस्पेक्ट देनी हर चीज़ के लिए, चाहे वो, जैसे कि मैं बताती हूँ कि क्रिस्टल्स वैसे ही लाइवली होते हैं क्योंकि दे अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू टेल देम। जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि आप इनको जो भी बात बोलते हो दे लिसन, जैसे वाटर होता है, वाटर से हम मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट करते हैं, इसी तरीके से क्रिस्टल्स भी हमारी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आपको एबंडेंस चाहिए लाइफ के अंदर, आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, क्लाइंट्स चाहिए, क्लाइंट्स की फ्लो चाहिए अपनी स्टोर पर किसी भी तरीके से, तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया था किसी भी रूप में आप सिट्रिन का क्रिस्टल रखिए। सिट्रिन एक इतना मैजिकल क्रिस्टल है, चाहे तो आप उसको ट्री की फॉर्म में रखें, चाहे ब्रासलेट की फॉर्म में रखें, चाहे रॉक की फॉर्म में रखें, और आप डेली ऐसे ही मंत्र जाप करिए, चाहे डेली एक माला मंत्र जाप करिए और फिर उसको लेफ्ट हैंड में लेके इस तरीके से पिरामिड बना के, और अपनी सारी वो एनर्जी, गुड फॉर्चून, अबंडेंस, जो भी आप उससे चाहते हैं आप उसके अंदर पूर करिए, एंड यू विल सी कि आफ्टर 9 डेज व्हेन यू विल वियर दैट क्रिस्टल आपकी एनर्जीज कितनी ब्यूटिफुली एनहांस हो जाएंगी। तो सिट्रिन बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल, मैं कह सकती हूँ कि वेल्थ के पर्पज़ से बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। बिल्कुल, वेल्थ की हमने बात कर ली, हेल्थ के लिए कौन सा क्रिस्टल है? मैं देखिए आपके लिए हेल्थ के लिए बताती हूँ, वैसे तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो कि हेल्थ के लिए वर्क करते हैं, अलग अलग जैसे चक्रास के हिसाब से अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था, लेकिन अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें, ओवरऑल हेल्थ के लिए देखिए सबसे पहले तो अगर हमारा मन अच्छा होगा तो हमारी माइंड जो है वो भी स्टेबल रहेगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है मून क्रिस्टल या एक्वामरीन। एक्वामरीन क्या करता है, आपके इमोशंस को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और मून स्टोन भी सेम काम करता है। तो और
आपकी ओवरऑल हेल्थ, जैसे डिटेरिएट हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए एम्बर का जो क्रिस्टल है, एम्बर का क्रिस्टल बहुत ही अमेजिंग है। चार्ज आपने उनको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया कि आप उनको परचेज़ करें, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है अपने व्यूअर्स से कि आप ऐसी जगह से परचेज़ करें जहाँ पे आपको ट्रस्ट, जहाँ पे आपने कहीं से भी उठा लिया उनको, ले लिया, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे आपके लिए, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से वो चल के आएगा, कौन सी माइंड से निकल के आएगा, कौन सी जगह से वो क्रिस्टल आ रहा है, कौन से कोरियर वाले के थ्रू आपके पास आएगा, सबकी एनर्जीज उसके मतलब आएंगी। तो सबसे पहले जब भी क्रिस्टल आपके पास पहुँचे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उसको सिंपल आप रनिंग वाटर में हल्का सा आप उसको वॉच करें और अपने हाथ में लेके उसको बहुत थैंक यू बोलें, ये कहकर कि आप कौन सी माइंड से, कहीं से भी, किसी भी स्टोर से, जहाँ से भी आप मेरे पास आए हो, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, गुड हेल्थ के लिए यू हैव कम टू मी। और फिर आप जो भी मंत्र जाप करते हैं आप करके इसी तरह से उसको लेफ्ट हैंड में लेके पिरामिड बना के और चैंट करके उसमें उसको थोड़ा सा ब्लो करिए, अपने मंत्र को कर दीजिए ब्लो, और उसके बाद उसको दोबारा वापस रख दीजिए। 9 days तक आप देखिए यही प्रोसेस रिपीट करते रहिए, और 9th day जब माँ की पूजा आराधना कंप्लीट हो जाए, आप माँ की ब्लेसिंग्स के साथ, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स के साथ आप उस क्रिस्टल को धारण करें। ये तो हो गई क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कैसे करें, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा क्रिस्टल है, रुद्राक्ष की भी आपने बात बताई, कुछ क्या को उपाय भी हैं, एक दो उपाय जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे ऑडियंस के साथ? देखिए सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि 9 days जो होते हैं बहुत ही प्योरिटी के साथ हमको रहना है। प्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप ऊपर से अपने आप को साफ सुथरा रखें, ठीक है ना। प्योरिटी का मतलब ये होता है कि हम अंदर से कितने साफ सुथरे हैं, बैक पिचिंग ना करें, हम किसी की बुराई ना करें, अपने अंदर से वो जो मन के अंदर जो दुर्भावना किसी के लिए रखी हुई है, मैं क्लियर बता रही हूँ, अगर आप किसी के लिए भी दुर्भावना रखते हो, बैक पिचिंग करते हो, किसी के लिए अगर आप प्रॉब्लम क्रिएटर हो, तो ये यूनिवर्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो माँ के दिनों में या कभी भी कोई भी प्योर डेज आ रहे हैं या नॉर्मल डेज भी हैं, सबसे पहले तो उपाय हम यही करें अपने ऊपर कि अपने अंतर को साफ करें। दूसरी चीज़, आप अपने घर का शुद्धिकरण करें, बिल्कुल गंगा जल से पहले घर को क्लीन करें, हो सके तो प्लीज़ हवन ज़रूर करें। ओके, हवन एज इन कि ज़रूरी नहीं आपको 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, हवन बिल्कुल छोटा सा आप हवन कुंड ले लें और उसके अंदर कोई भी माँ का मंत्र, कोई भी, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई भी ओम दुम दुर्गाय नमः, बहुत छोटा सा माँ का मंत्र है, आप 9 days इसको जप करके देखिए एंड सी द मिस्टिकल मैजिकल एनर्जीज इनसाइड योरसेल्फ। अगर आपको फियर की प्रॉब्लम है, अगर आपको फोबियाज की प्रॉब्लम है, अगर आपको घबराहट होती है, डर लगता है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। कोशिश करिए कम से कम बात करें, अपने अंदर बात करने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं, जब ज़रूर हो तो तभी बात करें, कुछ अच्छी बुक्स की नॉलेज लें, कुछ अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नॉलेज एनहांस करें। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि रिचुअल्स के अंदर, जैसे कि हमारा पुराना सिस्टम यही था कि हम कंडा लेते थे जिसको उपला भी बोलते हैं, उसको आप गैस पे अच्छे से गर्म करें, उसमें प्योर गाय का घी आप अर्पित करें, कपूर रखें, और फिर जो भी एक लौंग का जोड़ा अगर आप उसके ऊपर ऑफर करते हैं, एक सुपारी ऑफर करते हैं, लौंग का जोड़ा जो होना चाहिए
वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो आप ऑफर करें और आप देखेंगे कि जब आप ये धुनी चारों तरफ घर के अंदर करेंगे, एक तो इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो दूर होती जाएंगी। और जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ आप यकीन मानिए आपके घर से, आपके घर के आसपास से दूर रहेंगी, उतना स्पिरिचुअलिटी, अबेंडेंस, गुड वेल्थ, गुड फॉर्चून, रुके हुए काम, रुकी हुई चीज़ें, सब कुछ आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये क्लिंजिंग का प्रोसेस है। जब हम क्लिंज कर रहे हैं अपने को, अपने अंदर को, तो डेफिनेटली कहते हैं ना, आपने देखा होगा जो लोग मतलब मंत्र जाप करते हैं, क्या कभी आपने उनको मेकअप करते हुए देखा, कितना ग्लो होता है, कितना उनका ऑरा स्ट्रांग होता है। ऐसे ही अगर हम भी कोशिश करें, हम लोग बहुत नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन वी कैन ऑल्सो अचीव दैट एंड अटेन दैट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आखिर में कोई एक क्रिस्टल जो आप चाहती हैं कि हमारे दर्शक इन नवरात्रि में अपने घर लेके आए, एनर्जाइज करें, और वो उनको सारा मतलब बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो ऐसा कोई क्रिस्टल आप बताना चाहते हैं? इसके लिए बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा करना है तो एक 7 से 8 क्रिस्टल्स का ट्री आता है, अच्छा, पूरा का पूरा बहुत खूबसूरत रहता है, और आप उस क्रिस्टल ट्री को आप अपने घर लेके आइए, उसके अंदर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, गुड फॉर्चून, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सब चीज़ों के लिए उसके अंदर क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। आप उस क्रिस्टल को लाइए, अपने ऑल्टर में रखिए, 9 डेज तक उसको पूजा पाठ करिए, उसको वो एनर्जीज डिलीवर करिए कि जो एनर्जीज वो लेना चाहता है। और आप यकीन मानेंगी, आप जब उसको करके अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, आप 10th डे वहाँ पे प्लेस करिए, एंड आई कैन अश्योर यू कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको 100% उस क्रिस्टल ट्री के मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि क्रिस्टल्स अपने आप में बहुत अमेजिंग टूल है, जो कि मैं आज से नहीं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। इंसोमेनिया की लोगों की प्रॉब्लम दूर हो गई, हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस खुल गई, वेल्थ की प्रॉब्लम दूर हुई, स्किन की प्रॉब्लम दूर हुई, एलर्जीज़ की प्रॉब्लम दूर हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये मैंने तो बनाए नहीं, ये तो यूनिवर्स ने इनको बनाया, ठीक है ना, हमने तो स्टडी करी, देखा कि कितनी खूबसूरत चीज़ है, और उसका रिज़ल्ट हमने लिया, तो हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, एंड दे मस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ दीज ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स फॉर देम। आखिर में मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, जैसे जिन लोगों ने मेरी तरीके से कोई जेम स्टोन्स या रिंग्स जो कि हैं पहन रखी हैं, तो आप देखिए पूरे साल इनको पहन के रखते हैं, उतारते नहीं हैं, कभी रिचार्ज नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप इन्हें आराम से उतारिए, 9 डेज के लिए इनको ऑल्टर में रखिए, पहले थोड़ा सा रनिंग वाटर में या गंगा जल से क्लीन कर लीजिए, एक बाउल ले लीजिए या कोई साफ सा कपड़ा रख लीजिए, उसके अंदर रखिए, और जैसे डेली आप अपने क्रिस्टल्स को, रुद्राक्ष को, तभी उसी तरीके से आप अपने जेम स्टोन्स की रिंग्स को भी चार्ज करिए, और देखिएगा जो भी मनोकामना या जो भी आपकी चीज़ें होंगी जुड़ी हुई, वो ज़रूर ज़रूर पूरी होंगी, माँ भगवती ज़रूर कृपा करेगी आप पर। बहुत बहुत थैंक यू मैम जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। सारी बातें हुई आज क्रिस्टल्स पे, और जिस तरीके से आपने तरीका बताया एनर्जाइज कैसे करें, तो इस नवरात्रि आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि 9 दिन माँ की पूजा करने के बाद जब दशहरा मनाइए, तो उस दिन प्लीज़ पटाखे मत फोड़िएगा, आप थाली बजा सकते हैं अगर आपको शोरगुल मनाना है, या आपको ऐसे दशहरा मनाना है कि हाँ रावण जल गया, माता रानी के 9 दिन हमने बहुत अच्छे से गुजार लिए, तो मेरी बस यही अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट रहेगी कि पटाखे बिल्कुल मत फोड़िएगा। देखिए ये वायुमंडल, ये वातावरण सब हमारा है, ये प्रकृति हमारी है, हमें इसकी रक्षा करनी है। जुड़ने के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू, हैप्पी नवरात्रस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, हैप्पी नवरात्रस, नमस्कार।